नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग 23 तारीख की ग्रह स्थिति देखते हैं। शुक्र मेष राशि, राहु मिथुन राशि, मंगल गुरु केतु धनु राशि, शनि मकर राशि। शनि मकर राशि में, बुध और चंद्रमा कुंभ राशि में और शुक्र मेष राशि में गोचर में चल रहे हैं। सूर्य मीन राशि में। राशिफल शुरू करते हैं सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि की स्थिति अच्छी कही जाएगी, किसी भी तरह की कोई जोखिम नहीं दिखाई देगा। बस आपको सूर्य जो है वो मीन राशि के होने के नाते थोड़ा सा आपकी निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी अच्छी नहीं दिख रही, तो आप किसी अपने को, पिता को, या अगर आप पिता हैं और संतान बड़ी है तो पुत्र या पुत्री को शामिल कर लीजिए अपने निर्णय में। बाकी सब कुछ ठीक ठाक, आर्थिक स्थिति अच्छी है, प्रेम की स्थिति अच्छी है, व्यापारिक स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति सब कुछ बहुत अच्छा है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। पानी का पूरा ध्यान रखें क्योंकि मूत्र रोग से संबंधित थोड़ी परेशानी या थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। काली जी का दर्शन करेंगे तो अच्छा होगा। वृषभ राशि, ऊर्जा की कमी, स्वास्थ्य में बस इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है, बाकी व्यापार अच्छा है, प्रेम अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है और लेन देन के लिए, वाणिज्य के लिए एक अच्छा समय। गणेश जी की वंदना करें और अच्छा होगा। मिथुन राशि, भाग्य साथ देगा, धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेंगे, यात्रा संभव है, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम की स्थिति अच्छी है और व्यापार में निरंतर तरक्की करते जा रहे हैं। शनिदेव को प्रणाम करें और अच्छा। कर्क राशि, थोड़ा बच के पार करें, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, किसी भी तरह की कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं, अदरवाइज जोखिम भरा होगा। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम मध्यम है, व्यापार ठीक ठाक अब चलेगा आगे। शनिदेव को प्रणाम करें और कुछ भी नीली वस्तुएं दान करें। सिंह राशि, निरंतर तरक्की कर रहे हैं, स्वास्थ्य में अच्छा, प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात, पति पत्नी की चली आ रही परेशानियां दूर होंगी, नौकरी चाकरी लगेगी, व्यापार की नई शुरुआत होगी, नवजीवन की शुरुआत दिख रही है आपके और धनार्जन बहुत अच्छा है। गणेश जी की वंदना करें, हरी वस्तुओं का दान करें और अच्छा। कन्या राशि, निरंतर तरक्की कर रहे हैं, ज्ञानवान बन रहे हैं, कुछ अच्छी बातें पता चलेगी आपको जिससे आपको भविष्य में लाभ होगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, नसों एवं त्वचा के रोगों से थोड़ी परेशानी हो सकती है, बस इतना ध्यान रखें, हरी वस्तुएं पास रखें, गणेश जी की वंदना करें, स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम अच्छा, व्यापार अच्छा। तुला राशि, लिखने पढ़ने के लिए अच्छा समय, ज्ञानार्जन का अच्छा समय, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय, बहुत तरक्की कर रहे हैं आप, स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम अच्छा, व्यापार बहुत अच्छा। गणेश जी की वंदना करें, शनिदेव को प्रणाम करें और अच्छा। वृश्चिक राशि, घरेलू सुख थोड़ा तूतू मैमे के हवाले हो जाएगा या घर में कुछ कैलकुलेशंस होंगे जिस कैलकुलेशन को लेकर के थोड़ा परेशान रहेंगे आप, बाकी स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम अच्छा है, व्यापार बिल्कुल ठीक ठाक चलेगा। शनिदेव को प्रणाम करें और अच्छा। धनुराशि की स्थिति ठीक कही जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके द्वितीय भाव में पंचमेश मंगल उच्च के होकर के चले गए हैं जिसके वजह से आप कुछ धन के मामले में अच्छा डिसीजन लेने वाले हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा समय शुरू हो गया आपका, कुल मिलाकर के हर दृष्टिकोण से अच्छा समय है। स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम अच्छा, व्यापार अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें और अच्छा। मकर राशि, जो शनि और मंगल का आपके लग्न में ये गोचर है ना, ये यहां पे शनि स्वगृही है, मंगल उच्च का है, लेकिन जब युग्म बनता है तो युग्म का फल मिलता है, ये युग्म अच्छा नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य के मामले में
मान सम्मान के मामले में बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम अच्छा, व्यापार अच्छा, लाल वस्तुओं का दान करें अच्छा होगा। कुंभ राशि, यद्यपि बड़ी अच्छी युक्ति आपके लग्न में बनी हुई है, लेकिन मंगल के द्वादश भाव में आने की वजह से खर्च की अधिकता, अनाप शनाप खर्चे, मन अशांत, कर्ज की स्थिति, तो थोड़ा सा ध्यान से चलिए, बाकी ठीक है। व्यापार अच्छा है, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम अच्छा है, लाल वस्तुओं का दान करें अच्छा होगा। मीन राशि, बस आज के दिन पार कर लें, थोड़ा जोखिम है लेकिन कोई नुकसान नहीं होने वाला है, थोड़ा मन परेशान रहेगा, फिर कल आपका है। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम मध्यम, व्यापार मध्यम, आज के दिन हरी वस्तुओं का दान करें, शिव जी को प्रणाम करें, सब अच्छा होगा। नमस्कार।